ये कैसे हो सकता है वकील साहब कि उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया और तुम कुछ नहीं कर सके? जी उन्होंने सेठ मुख्तार को बीच में डाल लिया है और वकील भी चेंज कर दिया। जानता हूं मैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सेठ मुख्तार उन पर इतना मेहरबान क्यों है। मैं मानती हूँ मुझे जोया का पीछा नहीं करना चाहिए था। अगर नायल आप मुझे बताएं और मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, बस तुम शक करना बंद कर दो, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो ना हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। तो आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूँ यार, मैं बस ऐसा ही हूँ। नहीं नायक, जो होना था वो हो गया। शायद खुदा ने हमारे साथ इतना ही लिखा था। लेकिन खुदा लिखा बदल भी तो देता है। खुदा के फैसले अटल हो। तो दुआ किस मर्ज की दवा है? वो शायद उसके नेक बंदे थे। तो तुम मांगो ना जोया खुदा से। नहीं नायक, मुझे मांगी मोहब्बत चाहिए ही। बस हो गया। यार तू तो वहां जाकर बैठ ही गया। बैठा कहूं, मैं तो खड़ा हूं। ओहो, मेरा मतलब है वहां जाकर भूल ही गया। कुछ नहीं भूला मैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे, पूछे सब याद है। इख्तियार बी सीरियस, घर नहीं आ रहा? आपको कैसे पता? वो यार मैं पूछ रहा हूँ घर कब आओगे। अरे मुझे लगा आप बता रहे। नहीं, बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं, कमिंग सून। ऐसे अबू आप मुझसे शादी की बातें कर रहे थे, पता नहीं लगता भूल ही गए आप तो। अच्छा जी, तो बेचैनी बहुत हो रही है। आह, तू आ तो जाए एक मर्तबा, फिर देख मैं कैसी धूमधाम से तेरी शादी करता हूँ। अमीर शादी का तोहफा? वो तो तेरे मालिक का घर है जो तुझे शादी से बहुत पहले मिल जाएगा। बस फिर ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं। मसरूफ आदमी है, याद दिलाते रहना चाहिए। करें मुलाकात, तुम्हारे इंतजार में मैं यहाँ आधी होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो भी क्या सकता था। क्या कहा नायल? वापस आना चाहते। तो अच्छी बात है, फिर तुमने क्या कहा? उसकी मंगनी हो चुकी है। प्यार तो वो तुमसे करता है ना, और तुम भी तो उससे प्यार कर, तो ये बात उसे मंगनी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। और इसमें रिमशा का क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा भी नहीं था। मेरा कसूर इतना काफी नहीं है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। अगर यही करना था तो लेने क्या गई थी वहां? पता नहीं, मैं जाना भी नहीं चाहती थी, मगर मैं आपको रोक नहीं सकी। तुम अपने साथ सही नहीं कर रही, जानती हूँ। जोया, तुम्हें फैसला करना होगा। फैसला उसे छोड़ने का? अगर तुम उसे अपना नहीं सकती तो उसे छोड़ना तो होगा ना। फैसला तो उसने भी किया था ना, मंगनी भी कर ली थी, मगर अपने आप को रोक नहीं पाए। इसका मतलब है तुम ना ही उसे अपनाओगी और ना ही उसे छोड़ोगी। ये सरासर पागलपन है जोया। पागलपन ही तो है, मोहब्बत और क्या है?
सीधा सीधा पागलपन है। जान चली जाती है मगर जान नहीं छोड़ती। अटक गया है वो मछली के कांटे की तरह। क्या करो उसका, मेरी जान नहीं छोड़ता। भूलना चाहती है तो भूल भी नहीं सकती। उसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन उसने अपने साथ रहने का कोई रास्ता तक नहीं छोड़ा। जीव दीवानगी है, एक दूसरे का पीछा भी नहीं छोड़ते और साथ रहने का रास्ता भी नहीं। ये तो कोई तुक नहीं हुई ना, और किसी की सुननी भी नहीं। और हाँ, बिलाल आया था तुम्हारे पीछे से, उस बेचारे को किस चीज की सजा दे रही हो तुम? हाँ तो फिर क्या सोचा तुमने? नहीं भाभी जान, आप जाए रिमशा के साथ बाजार, मैं इतनी गर्मी में बाहर नहीं जा रही। मैं बाजार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हफीज की बात कर रही हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या, बस हाँ करो और किस्सा खत्म करो। क्या ऐसे फोन पर ही बातें करती रहोगी जिंदगी भर? नहीं समझ आती ना। वालेकुम सलाम। हाँ भाभी जान, दो घड़ी नहीं साथ बैठता। खाना लगवा दूँ? भूख नहीं है। उप्पो के साथ खा ले। अरे भाई खा लें खा लें, बाकी सबके साथ तो फूफो खा चुकी हैं, आप ही रह गए। देख रही भाभी जान, मेरे खाने को ऐसे नजर लगाते हैं जिसके बाप राशन डलवाता हूँ यहाँ पे। फूफो राशन कोई भी डलवाए, पकाना तो मुझे ही पड़ता है ना। ईमान से सारे घर के बर्तन एक तरफ और आपके एक तरफ। झूठ बोलते, तेरा मुंह नहीं टूटता बदतमीज। रिमशा पकाती, कब पकाता है तू खाना? अच्छा बस छोड़ो ना, वो अभी देख लेना रिमशा खाना पका रही है कि उसमें कोई मसला तो नहीं। हाँ ये बताओ, खाना लगवाऊं अब? खाओगे? अच्छा परफ्यूम लगाया तूने, जा रहा है तू बगैर बता? अरे हाँ इनके लिए भी ले आए, प्लीज पैसे मेरे से ले लीजिएगा। देख अरे जाके देख, रिमशा को भी बुला ले और जाके मेज लगा, चल खाना पका रही होगी वो। ऐसी बातें करता है, अपने पैसों का रोब दे के चला गया नीच जात। ये देख लो नायल मेरे साथ ये करता है, मुंह बना के चला गया अंदर। भाभी जान ऐसे नहीं कहते, देखे आपके कहने से मुंह धोने तो चला गया, आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मेरी जुराए पहने फिरते रहते हैं। आज खाना खा लो। क्या हुआ, खाना नहीं खा रही? नहीं खाला जी, मुझे भूख नहीं है। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? क्या बात है भाई, क्या मूड खराब है, तबीयत? नायल तुमने कुछ कहा है? नहीं मैं क्यों कुछ कहूंगा। ये कैसे कहेगा कुछ भाभी जान, जब से आया हमारे पास ही बैठा भाई। जाओ जाकर देख। नायल मैं जाती हूँ। जब से मंगनी हुई मूड ही खराब रहता है।
आप पुराने लाहौर से हैं? जी हाँ, पुराने लाहौर से, भाटी गेट से, और हम इसी तरह कहीं भी बैठ जाते हैं। आपने तो मेरे अगले दोनों सवालों का जवाब दे दिया। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। वैसे उस दिन निम्रा ने और आपके अहसन भाई ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? नहीं, वो क्या कहेंगे? वो मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था, आपका फोन भी नहीं चल रहा था, इसलिए। आपके आने पे ना ही मुझे और ना ही उन्हें एतराज है। हाँ, प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दें। इस पर तो मेरा कोई इख्तियार नहीं। उस रास्ते क्यों जा रहे हैं जहाँ पे मंजिल नहीं? अगर साथी आपके जैसा हो ना तो रास्ते अपने आप मंजिल बन जाते हैं, और अगर आपको अपनी मंजिल मिल जाए ना तो मुझे जरूर बताइएगा, खुद जाकर छोड़ कर आऊंगा। और अगर रास्ते पे चलते चलते इंसान भटक जाए तो? आप मुझे भटकने देंगी? आप मेरी सुनते कहाँ हैं? आपकी तो सुनता हूँ, कभी मौका मिले तो अपनी भी कह दूंगा। बिना कुछ कहे आप बहुत कुछ कह जाते हैं। बिलाल आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन। अच्छा बस बस, मेरी तारीफें करने से आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला। चले लंच टाइम में दोगे। गेट बैक टू वर्क। यस सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मुख्तार साहब, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और उस छोटे से मकान के लिए आप इतना वक्त जाया कर रहे हैं अपना, क्यों? बिजनेसमैन हूं इसीलिए जानता हूं कि कौन सा सौदा फायदेमंद है और कौन सा नहीं, और रही बात वक्त जाया करने की तो वो मैं जाया नहीं कर रहा, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। जानता हूं मुख्तार साहब कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है। दुश्मनी मुझसे नहीं है, दुश्मनी तुम्हारी उस शरीफ आदमी से है जो तुम्हें अब भी अपना भाई समझकर न सिर्फ माफ करने को तैयार है बल्कि दुगनी कीमत भी तुम्हें दे रहा है। बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की नहीं है मुख्तार साहब, इज्जत की बात है। इज्जतदार बन जाओ तब उसकी फिक्र भी कर लेना, और रही बात घर की, वो तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम से ज्यादा दिया जा रहा है, बाकी बातें तुम्हें मेरा वकील समझा देगा, सोच समझ कर मुझे जवाब देना। और सुनो, जवाब हां में होना चाहिए, इसलिए कि मैं कभी ना नहीं सुनता। अल्लाह हाफिज। क्यों बुलाते हैं मुझे? क्यों धोखा दे रहे हो उसे? किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुमने अपना नाम किसी को दिया है और तुम मेरे साथ यहाँ बैठे हो, अगर ये धोखा नहीं तो क्या है? साथ साथ मुझे भी गुनाहगार मत करो नायल। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं जोया, मैंने किसी को अपना नाम नहीं दिया सिवाय तुम्हारे। जब तक तो पता नहीं, लेकिन रिमशा को दिया है, लोगों को पता है, तुम्हें पता है कि उसके हाथ में तुम्हारे नाम की अंगूठी है। तुम्हारे हाथ में भी तो मेरे नाम। जमाने की नजर में से कोई वैल्यू नहीं है। ना हो, तुम्हारी नजर में है या नहीं है? बोलो जोया, तुम्हारी नजर में इसकी वैल्यू है या नहीं है? है स्टूपिड, अगर ना होती तो तुम्हें हर बार मिलने ना आ जाती, हर बार अपने आप से लड़ाई करती हूँ, कोसती हूँ तुम्हें। तुम्हें नहीं मिलूंगी, तुम्हारे चेहरा नहीं देखूंगी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मैं इंतजार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ?
भी आ जाती तुम्हारे धोखे में। धोखा मैं नहीं, तुम दे रही हो अपने आप को। तो क्या करूं नाय, तुम्हें तो ना समाज की फिक्र है ना ही लोगों की। हाँ नहीं है, नहीं है मुझे किसी की परवाह, तुम्हारी है। क्योंकि इस वक्त जिस अज़ियत में तुम हो ना, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। स्पीक कर दो ज़ोया, हो गई मुझसे गलती, माफी मांग रहा हूँ। और क्या करूँ यार, छोड़ दो मुझे, मारे आके हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, भूल जाओ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता था भी। ज़ोया, ज़ोया मेरी बात तो सुनो यार। आपका ख्याल है वो मान जाएगा? नहीं माना तो और भी तरीके हैं हमारे पास। वो तो आपकी वजह से हमने उस पर हल्का हाथ रखा था। बहरहाल अगर वो अब भी ना माना तो सारी जिंदगी हम उसे कोर्ट में खड़ा रखेंगे। ये अल्लाह उसको अकल दे। बहुत शुक्रिया आपका। मसूद साहब, शुक्रिया कह के आप मुझे शर्मिंदा न करें। खुदा हाफिज। ये एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसे अगर 10 घर भी मैं आपके नाम कर दूं ना, तब भी आपका वो एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा जो आपने मुझ पर किया। सोया क्या हुआ? सोया बताओ तो सही क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ तो सही मुझे। ये मेरी शर्ट है ना, ला दो मैं इख्तियार से धुलवा लूंगा। ये दाग धोने से नहीं जाएंगे। क्या कहना चाह रही हूं? बहुत करीब थे ना, इतने करीब या फिर इससे भी ज्यादा। कब तक रखा उसे अपनी बाहों में? बकवास कर रही हो तुम। बहुत करीब थे ना उसके, कि तुम्हारे आने से पहले उसकी खुशबू आ जाती है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मेरी घटिया सोच है? मेरी घटिया सोच है? हाँ तुम्हारी घटिया सोच है, जो इस तरह की बातें सोच रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो अपनी मंगेतर के होते हुए एक घटिया औरत की गोद में जाकर बैठ गया। अपनी ज़बान को लगाम दो। लगाम तो उसे दिलवाओ जो एक ही वक्त में दो दो मर्दों के साथ। रिमशा, नायल, क्या तरीका है ये, है कोई तमीज तहजीब है या नहीं? क्या कहूं मैं खाला, थक गई हूं मैं नायल के पीछे भागते भागते, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। कुछ नहीं भूलेगा, मैंने उसकी आंखों में देखा है शहनाज। ये तुम बहुत गलत कर रही हो, अपने बेटे का सोचो। बात सिर्फ मेरे बेटे की ही है। देखिएगा आप, शादी के बाद बाल बच्चे होंगे, घरदारी होगी, कैसे इश्क का भूत उतरेगा आप देखते रहिएगा। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन में।
रिमशा, रिमशा, अरे मैं तुमसे बात करी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या तरीका ये है, कोई तमीज तहजीब है या नहीं? क्या कहूँ मैं खाला, थक गई हूँ मैं नायल के पीछे भागते भागते, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। क्या बर्दाश्त नहीं होता बताओ? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता। क्या आप नहीं जानती नायल क्या कर रहा है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है? और इस पर उसने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस चुड़ैल के पीछे। ये सब कुछ जाकर आपको नायल से पूछना चाहिए और आप मुझसे पूछ रही हैं। देखो मैं मानती हूँ उसने गलत किया है, लेकिन तुम अपने आप को भी तो देखो, जो मुंह में आए बोल दिया, इतनी तेज जुबान। क्या गलत किया मैंने? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाएं मेरी कसम कि वो उस चुड़ैल से नहीं मिलता। देखो कभी कभी हमारा अंदाजा गलत भी होता है, मगर तुम लड़की जात हो, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लड़की जात को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और वो मर्द होकर अपनी होने वाली बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत से ताल्लुकात रखे, ये कौन सी किताब में है खाला? देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम भी हो सकता है ये सब। कैसा वहम खाला? वहम से दूसरी औरतों की खुशबू नहीं आती, मुझे तो घिन आती है सोचते हुए भी। अच्छा सुनो, यहाँ बैठो, बात सुनो, एक मिनट बैठो, बैठो पहले, सुकून से बैठो। इस तरह से बात बिगड़ती है, बात बनानी होती है, बात बिगाड़नी नहीं होती, समझी तुम? तुम तो हाथ से निकले जा रही हो, ये सब तुम्हारा वहम भी हो सकता है। देखो अबू आपने देखा ना? हाँ मैंने देखा, मैंने देखा जो रिमशा ने किया, और मैंने वो भी देखा जो तुमने किया, लेकिन जो तुमने किया मुझे उस पर बहुत अफसोस है। अब्बू देखो बेटे, बात यह है कि औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्द की बहादुरी या उसकी ताकत का मुजाहरा नहीं होता, बल्कि ये उसकी लाचारी और कमजोरी की अलामत है। मगर अब्बू मैंने उसको, अरे बेटा मेरी बात सुनो, देखो मोहब्बत जो है ना वो तहम्मुल का नाम, अगर ये ना हो तो मोहब्बत बेमानी है। इंसान वो नहीं होता जो दूसरे उसके बारे में कहते हैं, अपने अमाल से होता है। मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द बेटे, मैं समझता हूँ, लेकिन वो भी तकलीफ नहीं। नशा है तेरे इश्क का, खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज, मन मेरा है गा रहा। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है, मिली आवारगी अब नहीं, तुझ पे कमी। रब की दुआ है मिली
मौजूदगी बे तेरी रब की दुआ है मिली आवारगी अब नहीं राहे भी तुझ अब क्यों आए देखते कि तुम्हारे बगैर कैसे जी रही हूँ सब कुछ तुम्हें बोल दोगे तो मैं क्या बोलूंगा बाकी बचा क्या बोलने का सब कुछ तो बोल दिया तुमने हाथ छोड़ क्यों ये हक तुम खो चुके हक खो चुका हूँ या किसी और को ये हक दे चुकी हूँ दिया होता तो इस तरह मेरा हाथ थाम के ना खड़े होते अब भी चाहती हो मुझे खुद से पूछो खुद से सोचने से डरता हूँ डरते हो इसलिए किसी और के साथ मैंने तुम्हें कहा भी था लेकिन तुमने मेरी बात जो है वो हवा में उड़ा दी अच्छा मैं बता रही हूँ इसका सिर्फ एक ही हल है मुझे पता तुम क्या सोच रही हो तो क्या गलत सोच रही हूँ मैं कह रही हूँ ना आपसे शादी के बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ नहीं भूलेगा मैंने उसकी आंखों में देखा है शहनाज ये तुम बहुत गलत कर रही हो अपने बेटे का सोचो बात सिर्फ मेरे बेटे की ही है देखिएगा शादी के बाद बाल बच्चे होंगे घरदारी होगी कैसे इश्क का भूत उतरेगा आप देखते रहिएगा बहुत गलत कर रही हो तुम इसके नतीजे अच्छे नहीं हो तो क्या करूं मंगनी तोड़ दूं क्या इन हालात में तो तोड़नी चाहिए अरे मैं अपनी बहन और उसकी बेटी के साथ की ज्यादती नहीं कर सकती ज्यादती कर रही हो तुम शहनाज ये और क्या कर रही हो सिर्फ अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि रिमशा के साथ अपनी बहन के साथ बस रहने दे आप ये अपनी मंतिक मुझे नहीं पता इसके बारे में आ गया तुम्हारा ड्राइवर इतनी जल्दी अच्छा उसे कहो वेट करे मैं आती हूँ ठीक है जोया तुम्हारा दिमाग ठीक है वो तुम्हारा बॉस है और अभी तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया मैं उसको अंदर बुलाती हूँ मैं भी तो जरा करीब से देखूं तुम्हारी बॉस को सुधर जाओ निम्रा चाय पिलाती हूँ उसको कि मैं आ रही हूँ ठीक है थैंक यू नो प्रॉब्लम टोस्ट खाओगे नो नो आई ऑलरेडी हैड माय ब्रेकफास्ट थैंक यू चले अरे जितना सारा नाश्ता मैंने बनाया उसका क्या होगा बैठो नाश्ता करो आपको तो जल्दी नहीं होगी नहीं नहीं मुझे लगता है मैं ही थोड़ा जल्दी आ गया अब बैठे नाश्ता करें ये है असन भाई और ये है निम्रा अब सिर्फ यही मेरे अपने आपकी फैमिली यही होती है जी मी एंड माय मॉम डैड और मेरी एक सिस्टर है जो शादी के बाद यूएस चली गई अच्छा किसी दिन लाए ना उनको यहाँ मॉम एंड डैड को जी जरूर अगर जोया चाहे तो बल्कि आप लोग मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाते इसी बहाने जोया की मुलाकात हो जाएगी अभी तक हुई भी नहीं हाँ बिल्कुल जरूर क्यों नहीं है ना अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ
ठीक है? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. Nice to meet you. Same here. Okay जी, bye. Excuse me. काफी लकी हैं आप. यार थोड़ी कसर लगती है अभी. अरे आप जाएं पप्पो, कसर कह कह के पूरा तो खा गई हैं आप. पूरा कहाँ खा गई, दो बोटियों को पूरा कह रहा है. दो बोटी, दो दो करके आपने आधा किलो खा गई है. आप जाएं, रमशा बीबी की तबीयत खराब है. अरे पप्पो सास हैं आप भी आखिर. अब बहाने काम ना करने के. बड़ा जल्दी सीख लिया उन्होंने आपसे. हाँ ना. जैसे पप्पो वो घर में ना खाना जंगी शुरू हो गई है और बात हाथापाई तक पहुंच चुकी है. पहले ही पता था मुझे, तो पहले ही पता था औरत की बदजबानी घर तबाह कर देती है पूरा. जब आपको पता था ये सब होना है तो अपने रमशा बीबी के हक में वोट क्यों दिया? मुझे कोई लाम थोड़ी हुआ था कि कैसी है ये. मैं तो समझी सीधी सादी सी लड़की. अरे रंग तो इसने मंगनी के बाद दिखाने शुरू किए, याद नहीं है तुझे? दिखती तो बड़ी सीधी सादी थी. और मुझे ये भी पता था, शक था मुझे कि सादगी नहीं है, घुन्नापन है. पर मैंने सोचा शायद मैं ही गलत. बातें बहुत बनाता अख्तियार तो. हंडिया देख, जला के राख ना कर दे, कहीं वैसे भी गोश्त निकल रहा. उधर मुंह कर, मेरे खाने को नजर न लगा. पता नहीं मेरे नायल का क्या बनेगा. छोड़ दे यार. ऐसे गलाना. उधर दे. जोया क्या हरकत है ये? क्या हुआ? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि इस तरह बाहर मत निकला करो. लोग देखते हैं तो 10 तरह की बातें करते हैं. अम्मी रयान हैदराबाद जा रहे हैं, उससे बात करनी जरूरी थी. बेटा अगर तुम और रयान एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो तो. नायल तुम. हाय. हाय खैरियत? क्यों मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता? नहीं नहीं आ सकते हो. नायल तुम कब आए? तू मुझसे बात ना ही कर. सही है भाई, कहीं और का गुस्सा हम पे निकल रहा है. अब क्या हुआ नायल? कुछ नहीं, घर जाने को दिल नहीं कर रहा था, सोचा यहाँ आ जाऊं. ये तो तुमने अच्छा किया. वैसे सुबह आपके रकीबे रूसिया भी तशरीफ लाए थे. हाँ वो बिलाल आया था. हाँ चाय शाय पी के गए. काफी हैंडसम लड़का है और पैसे वाला भी. नहीं मतलब मैं नहीं कह रहा था, वो निमरा कह रही थी. नहीं मैंने बस ये कहा था कि शक्ल सूरत का बुरा नहीं है. हाँ और पैसे वाला भी है, ये भी कहा था इसने. ऐसे कार बहुत जालिम रखी हुई उसने. तुम लोग कहीं जोया और उसका हमारी तरफ से तो ऐसा कोई सीन नहीं है. अब जोया का इरादा अगर हो तो हम क्या कर सकते. नहीं नायल ऐसी कोई बात नहीं है. तुम बताओ क्या हुआ, घर में सब कुछ ठीक है? कुछ नहीं यार, रिमशा से बस जरा झगड़ा हुआ क्या? हाँ झगड़ा हो गया. वो जोया के बारे में इतनी बकवास कर रही थी, मुझे बर्दाश्त ही नहीं. फिर क्या अग्रेसिव हो गया मैं और क्या. वाह हमारे सामने तो बड़ा अमन पसंद फरिश्ता बना फिरता है, घर में झगड़े कर रहे तू. नायल बकवास करती है, फजूल में शक करती रहती है मुझे. शक बिल्कुल ठीक करती है. इतनी सी बात पे तुमने झगड़ा कर लिया? मैं मानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो वो जोया के और मेरे बारे में बातें कर रही थी ना, मुझे सोच के भी शर्म आती है. अगर किसी के आने से पूरे घर खामोश हो जाए तो इसका मतलब उसी के बारे में बात हो जा रही है. इसे हिब्बत कहते हैं. अरे
अरे नहीं भाई, गिबत नहीं, हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, बताओ ना यार सब। हाँ नाल, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, जरा बाहर आ जा। लड़ाई ना शुरू कर दे यार। इसने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस लड़की के लिए। यही तो मैं चाहती थी। नायल, तुम्हें औरत के आंसुओं की ताकत का अंदाजा नहीं है। सोया अपनी मोहब्बत खुद मेरे हवाले करेगी, फिर देखो मैं करती क्या हूं। ये दांत धोने से नहीं जाएंगे। क्या कहना चाह रही? बहुत करीब थे ना, इतने करीब या फिर इससे भी ज्यादा। कब तक रखा उसे अपनी बाहों में? बकवास कर रही हो तुम। बहुत करीब थे ना उसके, कि तुम्हारे आने से पहले उसकी खुशबू आ जाती है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मेरी घटिया सोच है? मेरी घटिया सोच है? हाँ तुम्हारी घटिया सोच है, जो इस तरह की बातें सोच रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो अपनी मंगेतर के होते हुए एक घटिया औरत की गोद में जाकर बैठ गए। नी जबान को लगाम दो। लगाम तो उसे दिलवाओ जो एक ही वक्त में दो दो मर्दों के साथ। रिमशा, जो हाथ तुमने मुझ पर उठाने की कोशिश की है ना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज जिसने हमारे बारे में ऐसी बात की, कल पूरा जमाना करेगा। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? हाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों चुपके शादी कर लेंगे। आखिर हो क्या रहा है यार, मुझे बताओ। खामोश क्यों, जवाब दो ना। हम एक दफा शादी कर लेंगे, उसके बाद कोई भी हमें कुछ भी कहता रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा यार। मैं हूं ना, मैं हूं ना। तुम होते तो बात ही क्या थी, चुपके शादी कर लेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते। पहले अपनी माँ के प्रेशर में आके तुमने ये मंगनी कर दी, तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकते, मेरी मोहब्बत में मेरे पीछे दौड़े चले आए। तुम्हारी सोई मोहब्बत जागी और मैं बेवकूफ। तुम क्या कह रही हो जोया? वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के शादी के लिए कह रहे हैं और तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। नहीं करनी मुझे ऐसी शादी, छुपके भाग के प्यार करती हूँ उससे मैं, अगर उसमें हिम्मत नहीं अपनी माँ से बात करने की तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। जोया वो भी तो तुमसे प्यार करता है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ एक दफा शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो? उसके माँ बाप ना माने तो? मसला ये है कि वो आपको छोड़ चुकी है, मगर आप अभी भी उसके पीछे भाग रहे हैं। वो फरेब है, धोखा है वो। अगर उसने आना होता तो अभी तक आ गया होता। हो सकता है कोई मसला हो गया हो, कहीं अटक गया हो काम से। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हो सकता, उसको फोन करने का भी कोई फायदा नहीं। जम्मी ठीक कह रही हैं, फोन कर लेना चाहिए। आप बोले तो मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा है ना कि कोई जरूरत नहीं, सामान अंदर लेकर जाओ।